वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ रामपुर और इतने दिनों के बाद मैं रामपुर जा रही हूँ और बहुत बुरा लग रहा है अपने गांव को छोड़ के जाना। तो फ्रेंड्स मैं ये कुछ यादें संजो के लिए जाना चाहती हूँ आज की अपने गांव की। और फ्रेंड मैं यहाँ गाय के पास रेस्ट कर रही हूँ। ओ, गाय को डिस्टर्ब कर दिया है अब ये, इसने घास चरना ही बंद कर दिया है हमारे आने से। और ये देखिए मेरी हस्बैंड छींके मार रहे हैं, और ये देखो मेरे हस्बैंड ने छींक मारी और गाय देखो उनकी तरफ देख रही है। हैं, दिखा लेंगे। ये देखो बेचारी गाय सुन रही है। चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको जो हमारे देवदार हैं, देवदार के पौधों के। ये देखिए इनके जो बीज होते हैं, इसके अंदर बीज होते हैं, और ये देखिए सारे पौधे जो है ये वायर है खुद। और जो ये पौधे हैं फ्रेंड्स, ये किसी द्वारा रोपे नहीं गए हैं, ये खुद ब खुद लगे हैं। और जैसे कि ये बीज हैं, तो जब ये बीज झड़ जाते हैं तो इनके अंदर छोटे छोटे होते हैं बीज, तो वो झड़ जाते हैं और ये अपने आप ही लग जाते हैं, यहाँ पे उग जाते हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं एक कांटा दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ये एक कांटा है, देखने को तो कांटा है लेकिन इसकी एक खासियत ये है ये कि पूरे ये हमेशा ही हरा रहता है, और इसको हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं, और पहाड़ों में इसे बेखल कहते हैं। और इसे ये एक पूजनीय पौधा होता है और इसको पूजा भी जाता है। और जब भी हमारे कोई अनुष्ठान होते हैं पहाड़ों में, तो इस पौधे को भी यूज़ किया जाता है। और जैसे जब शादी होती है तो जो मामा होता है नहाने से पहले इस पौधे को लाता है अपने भांजे को नहलाने के लिए, और फिर इसको इस तरह से उसके सिर पे रखा जाता है, फिर पानी की धार दी जाती है और उसके बाद मामा भांजे को नहाना स्टार्ट करता है। ये एक ऐसी रस्म होती है, अगर मामा इसको ना लाए इस पौधे टहनी को तो उसे जुर्माना लगाया जाता है और उसे पैसे देने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की छोटी बड़ी यादें मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ अपने गांव की।
और ये देखिए हमारे मकान आगे को हमारी फैमिली के हैं। और इसके साथ ही आपको याद होगा ये पानी की बावड़ी, और यहाँ नीचे खुरल है जो हमारे मवेशी पानी पीते हैं इसमें। और इसके साथ वो हमारा खेत, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे ये हमारा खेत है और बहादुर ने यहाँ मटर लगाए हैं। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ पानी के बावड़ी के पास कपड़े धोने या ऐसे, तो मैं अपने खेत को यहाँ से देखा करती हूँ कि हमारे बहादुर क्या काम कर रहे हैं, क्या बीजा है उन्होंने। तो ये सारा कुछ बहुत मिस करूँगी मैं। और इसके साथ ही ये पानी का नालू, और इसे भी बहुत मिस करूंगी। जब मैं बाथरूम में कपड़े धो रही होंगी तो ये बहुत ज़्यादा पानी मुझे बहुत याद आएगा। तो अब चलती हूँ मैं आगे की तरफ, क्योंकि मुझे रामपुर जाने से पहले सास जी को मिलना है। आपको मालूम है कि एक ताई सास जी थे तो वहाँ बैठे होते थे, तो मैं जाने से पहले इन दोनों सास जी को मिला करती थी, लेकिन अब वो तो नहीं रहे। और ये दूसरे सास जी हैं हमारे बड़े वाले, तो ये अपने काम में बिजी हैं इस टाइम और ये मुझे नहीं देख रहे हैं। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे इनके पास ही जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इनके पास गई, थोड़ी बहुत मैंने इनके साथ बात की और फिर इनसे आशीर्वाद लिया। तो हमारे लेते हैं आशीर्वाद सुई करके, नीचे झुक के लेते हैं, मतलब ये ऊपर है बरामदे में, मैं नीचे हूँ, तो मैं यहीं से ही झुक के पैरों की तरफ हाथ करके आशीर्वाद लूँगी इनसे। और बता रहे हैं कि मैंने आपको देखा ही नहीं था। तो मैं ये देखिए, ये अभी मैं सुई कर रही हूँ, इनको आशीर्वाद ले रही हूँ इनसे। और फ्रेंड्स, ये बता रहे हैं कि आप कब आओगे, तो मैंने इनको बताया था कि एक्चुअली मैं अपनी भाषा में बात कर रही हूँ इनके साथ, तो मैंने इनको बताया था कि अब परमानेंट तो हम यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ, दो दो तीन तीन या चार चार दिन के लिए तो हम आएंगे। अगर स्कूल फिर से बंद हो जाते हैं तो हम परमानेंट ही यहाँ आएंगे। और तो ये बता रहे हैं कि कोरोना काल में आपने सिर्फ अपने घर पे ही रहना है, घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर जाना, और बाज़ार बिल्कुल भी नहीं जाना। तो होता है ना फ्रेंड्स, अब जो बुज़ुर्ग आदमी होते हैं अपने बच्चों की फिक्र उनको होती है, वो चाहे अपने हो वो चाहे दूसरों के हो। तो अब चलती हूँ मैं अपने घर। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे जेठ जी का बेटा जो भी अभी खेत से आया है लकड़ियां लेके सेब की। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं अपने खलियान में पहुंची तो मैंने एक छिपकली को देखा जो कि कुछ खा रही थी वहां से। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको जूम करके या करीब से इसका वीडियो शूट करूं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही ये छिपकली दाने खा रही है, आपको टक टक की आवाज़ भी आ रही है, जैसे ही ये मेरे करीब आई और वैसे ही एक दूसरी छिपकली इस के ऊपर आकर गिर गई। ये देखिए, लड़ाई करने लगी और मुझे बहुत डर लगा। और अब मुझे तैयार होना है, तो तैयार होने से पहले मैं आपको यहाँ का व्यू फिर से दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, जाने का मन ही नहीं कर रहा है, सोचते हैं कि बस यहीं रहें हमेशा अपने गांव में, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, स्कूल खुल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम जाने के लिए तैयार ही थे, रोड में आ चुके थे, लेकिन रोड के आगे एक खेत है जहां हमारे रिलेटिव हैं। तो उन्होंने बताया था कि मैंने आपके लिए अपने घर में लस्सी रखी है, तो आप वहाँ जाओ और वहाँ मेरे हस्बैंड से लस्सी लेके आओ। तो फ्रेंड्स, मुझे वहाँ जाना पड़ा। अभी
मुझे मामा जी के घर से लस्सी लानी है, उनके वाइफ मिले थे मुझे तो बता रहे थे कि लस्सी ले जाओ, आप रामपुर जा रहे हैं तो मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ। तो ये है उनका घर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मामा जी मैं आपके नमस्ते, मामा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। तौले बोलो ना, हमने रामपुर लड़े होंगे बाल्टी दे छा बोला तब दे और आप तो शीघ्री और जी कहाँ कहाँ था बो निशी मंगजीरे। और फ्रेंड्स ये देखिए भंगजीरी, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए इसके बीज, मैं खाली उसमें दिखाती हूँ आपको। हैं हाँ, सिड्डू बनते हैं, परांठे बनते हैं। ये देखिए ये इस तरह का पौधा होता है, ये अब पक चुका है और इसके अंदर होते हैं इसके सीड। मैं आपको दिखाती हूँ इसके सीड, लेकिन इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर। और फिर इनको इस तरह से झाड़ते हैं, ये देखिए ये इस तरह से, ये देखिए कितने सारे सीड्स हैं। फ्रेंड्स यहाँ मैं इनको पूछ रही हूँ कि इनकी बेटी कहाँ है, तो इनका कहना है कि मेरी बेटी कहीं गई है। तो और मैं इनका हालचाल पूछ रही हूँ अपनी भाषा में। वो देवते से वो विभाग है ना बॉट वो विश्रो घर का। हाँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, और आपको जब विलेज टूर करवाया था तो ये हमारी जागा माता ठौड़ है, मैं माथा टेक के आती हूँ माता के पास। तो फ्रेंड्स काफी बुरा लग रहा है आ जाते हुए। ये देखिए हमारे गांव की गलियां खलियां, और ये ओल्ड हेरिटेज होम है। आवाज है ना, हवा बढ़िया। धन्यवाद जी आपका। अच्छा फिर मामा जी है ना, ठीक है बाय तो करो बाय। तो फ्रेंड्स मैं लस्सी लेके आई हूँ यहाँ पे और अब चल पड़ी हूँ मैं रामपुर। और फ्रेंड्स ये देखिए गांव में किस तरह की पगडंडियाँ होती है, और ये है हमारा रोड। तो मुझे जाना पड़ेगा इस रोड में, और इसका उद्घाटन कल हो चुका है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जो मैं फिर कभी अपलोड करूँगी। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी ने महसूस किया होगा कि जब आप कहीं पर्टिकुलर जगह में एक बारी काफ़ी टाइम तक रहोगे तो जब वहाँ से जाते हो तो कितना बुरा लगता है, और मुझे भी उसी तरह का बुरा लग रहा है आज। आएंगे हाँ, ये उनकी वाइफ है नीचे वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का वेट करती हूँ, वो घर गए हैं, कुछ भूला है, अब आते होंगे वो। मैंने सोचा मैं छाया में रहूँगी तो मैं यहाँ पे छाया में आई हूँ। और ये है अखरोट का पेड़, और इसकी छाया में मैं खड़ी हूँ अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। अब भी फ्रेंड्स 12:30 हुए हैं और पत्तों के बीच ये देखिए हल्की सी धूप आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारा रोड है, और मैं ये व्यू भी दिखाती हूँ आपको, और वो
रहे मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, वहाँ गाड़ी है तो अभी आते होंगे। तो ये देखिए मौसम कितना सुहावना है, और ऊपर हमारे घर में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए पेड़ों, सेब के पेड़ों की आड़ में थोड़ा सा हल्के से दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारे घर और रोड की डिस्टेंस इतनी है, पहले हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था, लेकिन कल ही इसका उद्घाटन हुआ है तो हम सबको बहुत खुशी है। फ्रेंड्स मेरे बाल बहुत गंदे हुए हैं और मेरे हस्बैंड आ गए हैं, मुझे जाना है। और फ्रेंड्स हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, और यहाँ मैंने मास्क रखा है और मुझे मास्क पहनना है, दूसरे वाले मास्क कहाँ है। और फ्रेंड्स वो देखिए हमारी बावड़ियाँ हैं, ये देखिए, लेकिन हम पानी यहाँ से नहीं भरेंगे, आगे स्प्रिंग वाटर है और जो कि इससे भी ज़्यादा ठंडा है और मीठा है, तो हम वहाँ से अपनी बॉटल को भरेंगे। मैं अभी वो स्प्रिंग वाटर आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स ये आया हमारा स्प्रिंग वाटर, ये देखिए अब मैं यहाँ से पानी भरूंगी। फ्रेंड्स जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में हर कहीं आपको इस तरह का जो पानी है वो मिलेगा, और ये पानी यहाँ से निकला है तो हमने इस तरह की यहाँ बॉटल लगाई है ताकि बॉटल्स वगैरह को अच्छे से भर सके। पहले मैं पानी पीती हूँ। पहले मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, उसके बाद और फ्रेंड्स ये वाला रोड पर यहाँ पे गाड़ी झोल खा रही है, ये मेन रोड है रोडू वाला, अभी गाड़ी झोल बहुत खा रही है क्योंकि न्यू रोड है तो स्टेबिलिटी नहीं है इसमें। यहाँ से रोडू के लिए है पुल, और ये है रामपुर वाला जहाँ से हम जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारा इलाका, ये है कुरनू, नरेन, मढोग और करशोली। फ्रेंड्स इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं रामपुर, और अपने मन में अपने गांव की बहुत सारी यादें को समेटे हुए, और यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना है, और ये देखिए आप आसमान नीला भी है और बादल भी है, और ये देखिए मेरा फेवरेट माउंटेन्स, और ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। और आज तो जो मेरा फेवरेट पहाड़ है उसके पीछे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी के सिर पे वाइट बाल हैं, बादल, ये देखिए बहुत खूबसूरत व्यू है। हाय फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज मैं रियली बहुत ही बुरा फील कर रही हूँ, क्योंकि आज हम घर से परमानेंट अब यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए आ गए, हमेशा के लिए नहीं, हम जाएंगे घर लेकिन छुट्टियों में जाएंगे जब एक एक दो दो तीन तीन दिन के लिए, लेकिन आज तक ऐसा था कि हम परमानेंट घर में थे 6-7 महीनों से। और तो इन 6-7 महीनों में जितने भी हमने खट्टे मीठे पल घर में बिताए हैं तो वो मैंने कैप्चर किए हैं कैमरे में, तो ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने की तरह कि अपने तक ही सीमित होते थे वो जो हमने महसूस किए होते थे अपने बीते हुए पल, अब कैमरे में कैद करते हैं सभी, और मैंने भी किए हैं, तो मैंने कुछ तो आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन जो मेरे
काफ़ी पुराने हैं, यानी कि इन 6 महीनों के बीच के जो भी मैंने बिताए हुए दिन हैं, जिसके साथ भी जो भी गाऊंगा वो मैंने अपने कैमरे में कैद किए हुए हैं, उनको मैं आगे दिखाऊंगी। तो अभी बस इतना ही था कि मैं बहुत बुरा फील कर रही थी, इसलिए मैंने ये आज अपने गाँव का जो आज का ही था वो ही दिखाया आपको आज के दिन का। तो और हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आ रही थी आगे से, तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी तो मुझे कुछ लेडीज़ मिली जो मेरी पुरानी जान पहचान की थी। तो उन्होंने बोला कि मैम आपने तो सेहत बना रखी है घर में, आप बहुत हेल्दी आए हैं, पता नहीं अब आप ही बताइए। मैं सच में हेल्दी हुई हूँ घर में, वैसे जो गांव में होता है सब कुछ प्योर मिलता है, दूध प्योर मिलता है, घी सब कुछ, जो भी अनाज सब कुछ मिलता है। और खास बात वहाँ का जो पानी होता है वो तो इतना स्वादिष्ट, शीतल जिसको बोलते हैं शीतल, तो वो था वहाँ पे। और उससे पानी पीने से तो खाना भी ज़्यादा खाया जाता था और काम भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मेरे आज के पल, सिर्फ आज के दिन के, लेकिन जो मैंने प्रीवियस कैप्चर किए हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो मैं आज की इस वीडियो को यहीं क्लोज करती हूँ, तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइल, बाय बाय। और हाँ मैं भूल गई हूँ कि जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें आज की वीडियो पे। तो बाय बाय। Andy.